हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी एल एड। तो आज मैं फेयर लाइट क्रीम का रिव्यू करूंगी, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है। इसका एमआरपी है 438। यह आपको ऑनलाइन मिल सकती है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे ये इजीली नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस क्रीम के बारे में बात जान लेते हैं कि क्या ये गोरा करती है या नहीं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है फेयर लाइट। देखिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, काफ़ी भड़काओ इस क्रीम के बारे में जो थंबनेल है वो डाल रखा है कि परमानेंट गोरा, बिल्कुल सफ़ेद रंग। तो देखिए, इस तरह से किसी की स्किन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो क्रीम अच्छी है उसी को रिकमेंड कीजिए, ऐसे हर एक क्रीम के बारे में इस तरह से ना कीजिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस क्रीम के क्या रिजल्ट रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये डे क्रीम है। इसका जो प्लस पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि इस पर SPF 50 है, जो कि हम अलग से सनस्क्रीन लेते हैं डे के लिए। और ये डे क्रीम है, नाइट क्रीम नहीं है, आपको डे में ही इसे लगाना पड़ेगा। ऑयली है तो आप समझ सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑयली स्किन वाले अगर इसे लगाएंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई स्किन वाले बेशक इसे ट्राई कर सकते हैं एज अ सनस्क्रीन। और अगर मैं बोल रही हूँ कि सनस्क्रीन के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये फेयरनेस पे कोई भी इतना रिजल्ट नहीं देगी। थोड़ा सा आप कुछ भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि परमानेंट गोरा करेगा या आपके स्किन टोन को ये इम्प्रूव। मैं इतना गारंटी देती हूँ कि ये सिर्फ एक टोन भी आपको गोरा नहीं करेगी।